सुनाएंगे और कहानी है तीन मछलियों की। कहानी किसकी है? तीन मछलियों की। और एक बड़ा सा जंगल था, जंगल था और उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बड़ा सा तालाब था। तालाब में रहती थी तीन मछलियाँ। ये तीन मछलियाँ हैं। तालाब में तीन मछलियाँ रहती थी और तीनों मछलियों में काफ़ी दोस्ती थी। और एक मछली जो सबसे छोटी वाली थी वो थोड़ी सी नटखट थी, वो किसी का कहना नहीं मानती थी, वो अपने मन का काम करती थी। ये देखो मछली बन गई। ये तीन क्या थी? मछलियाँ थी और तीनों दोस्त थी। पर ये दो मछलियों में काफ़ी दोस्ती थी और ये जो छोटी वाली मछली थी ये किसी का कहना नहीं मानती थी। तो एक दिन क्या हुआ, इधर से एक शिकारी जा रहा था और शिकारी जो है उसने देखा कि इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, तो हम क्यों ना एक काम करते हैं, इन मछलियों को पकड़ लेते हैं। और ये जो दो मछलियाँ थी ये जान के कि शिकारी कह रहा हम लोगों को पकड़ लेगा, तो ये दो मछलियों ने आपस में बात किया कि चलो चलते हैं हम लोग इसी तालाब में नीचे छुप जाते हैं और तब हमको शिकारी जो है पकड़ नहीं पाएगा। और पर ये जो छोटी वाली मछली है ये इसने कहा नहीं, वो कल देखा जाएगा, कल शिकारी आएगा, पता नहीं पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा, कल की हम सोचते हैं। ये दो मछलियाँ जो थी वो तो छिप गई पर ये जो छोटी वाली मछली है ये नहीं छुपी। तो अगले दिन जब शिकारी आया तो उसने जाल फैलाया, जाल ऐसे होता ना बेटा, ऐसे होता ना, ऐसे डालते हैं तो उसको पकड़ते हैं, तो ऐसे ही उसने जाल को डाला और वो एक मछली जो नहीं मानी थी ये वाली छोटी वाली, इसने किसी का कहना नहीं माना था तो ये पकड़ लिया इसको। और ये जो दो मछलियाँ थी ये छुप गई थी, ये दोनों छुप गई थी, ये गई बच। और तो उस जब इसको निकाल लिया पानी से, जब मछली को निकाल लिया तो मछली क्या हो गई, मर गई, क्योंकि मछली जो है पानी में ही तो रहती है। तो इसीलिए कहा है कि कोई भी काम जो है भाग के भरोसे नहीं कर सकते हैं, कि भागने होगा तो देखा जाएगा, समय आने पे या मुसीबत आने से पहले ही उस काम को पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए कि ऐसा ना हो गया। अब तो ये सोचो तुम लोग कि पेपर आने वाला है और हम पढ़े ही ना, भाग के भरोसे रहे, तो ऐसा हो सकता है? तो जब आप लोग पढ़े रहोगे तभी तो होगा। तो ठीक है, अब ऐसा है काम होने से पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाए। सब कहानी समझ में आई? ये तीन मछलियाँ कैसी थी आपस में? मैम दोस्ती दोस्त थी ना, और कौन कहना नहीं मानती थी? छोटी वाली मछली किसी का कहना नहीं मानती, इसलिए वो शिकारी के जाल में फंस गई। कहानी कैसी लगी बच्चों?